हेलो एंड वेलकम टू सिंपली ऑसम लाइव। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एज यू ऑल नो, दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, सो इस टाइम को हर कोई अपना घर थोड़ा बहुत तो डेकोरेट करता ही है। इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरी ईयर हम महंगी चीज़ों से अपना घर सजाए। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा लिविंग कम डाइनिंग रूम का एक फेस्टिव मेकओवर। मैंने कुछ चीज़ें खरीदा है एंड कुछ चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, उन सबको लेके मैंने एक फेस्टिव लुक क्रिएट किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रेंड्स, दिवाली में आप थोड़े से फ्लावर्स एंड थोड़े से लाइट्स के साथ अपने घर को बहुत सुंदर से डेकोरेट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा लिविंग रूम दिवाली मेकओवर से पहले कुछ ऐसा दिखता था। ये कुछ स्टेटमेंट कुशन कवर्स से जो कि मैंने अपने लिविंग रूम थीम के हिसाब से खरीदा है। कुछ मैंने वेबसाइट से खरीदा है, कुछ होम सेंटर एंड कुछ शॉपर स्टॉप से। यहाँ पे मैं कुशंस अरेंज कर रही हूँ, एक दूसरे को कंट्रास्ट में दिखे तो अच्छा लगेगा। एंड ये देखिए फ्रेंड्स, कुशन कवर चेंज करने से मेरे लिविंग रूम का लुक ही चेंज हो गया है। अभी कॉफ़ी टेबल के ऊपर मैं एक सेरामिक प्लेट रख दूँगी। ये कुछ टी लाइट होल्डर्स हैं जो कि मैंने बहुत साल पहले होम सेंटर से ख़रीदा था। अभी तो आपको स्टॉक में भी नहीं दिखेगा। टी लाइट होल्डर के चारों तरफ हम रेड रोज फ्लावर से सजा देंगे। ये कलर्स एक साथ बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ग्रीन, ब्लैक, वाइट एंड रेड। अब इसके अंदर हम बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट्स रख देंगे। और हाँ, एक प्लेस मैट के ऊपर रखेंगे तो और भी सुंदर दिखेगा। तो हमारा कॉफी टेबल रेडी हो गया फेस्टिवल के लिए। सोफा के बैक साइड में एक ग्लास सेल्फ है, उसके ऊपर मैं एक इंडो प्लांट से सजा रही हूँ और एक टी लाइट होल्डर विद बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट। नॉर्मली मैं इस प्लेस में कुछ भी नहीं रखती हूँ, बट ओनली फॉर दिवाली मैं इस प्लेस में सजा रही हूँ। ये है मेरा टीवी यूनिट फेस्टिव मेकओवर से पहले। एक कॉपरवेयर एंड कुछ फ्लावर से मैं कुछ बना रही हूँ। एंड क्या बना रही हूँ आप लोग देखिए। एंड साइड में मेरा फ्लावर्स चुपके से कोई ले रहा है, वो भी आप लोग देखिए। सो इसको हम ऐसे आर्टिफिशियल बैम्बू स्टिक में रैप कर देंगे। एंड इसको सिक्योर करने के लिए मैंने डबल टेप यूज़ किया है। एंड देखिए तैयार हो गया ये भी फेस्टिवल के लिए। अब बढ़ते हैं मेरे टीवी यूनिट की तरफ। सबसे पहले मैं सारे सामान यहाँ से हटा दूंगी एंड दिवाली डेकोर के हिसाब से इस प्लेस को सजाऊंगी। मिडिल में मैंने रखा है गणेश जी को। ये कुछ टेराकोटा आइटम्स हैं जो कि मैं अपने होम टाउन से लेके आई थी। सो, इस जगह को मैं कुछ फ्लावर्स, प्लांट्स एंड टी लाइट्स से सजाऊंगी। मेरे टीवी यूनिट में कुछ वायर्स हैं जो कि दिखते हैं, तो उसको हाइड करने के लिए मैंने फ्लावर से सजाया है। लास्ट में मैंने रखा है जीजी प्लांट एंड उसके ऊपर फेरी लाइट से सजाया है। ये कुछ आइडियाज़ मैं शेयर कर रही हूँ ताकि दिवाली में आप ऐसे ही फ्लावर से आपके घर को सजा सकते हैं। सोफ़ा के कॉर्नर में मैंने अपना ग्लास ट्रॉली रखा है एंड उसके ऊपर कुछ चॉकलेट्स एंड फ्रूट्स।
ये एक वुडन सर्विंग बोल है एंड इसको मैंने एज अ उल्ली यूज़ किया है। आपके पास अगर ग्लास का, ब्रास का या वुडन का कोई भी बोल हो, आप उसको ऐसे एज अ उल्ली यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा लिविंग रूम दिवाली के लिए रेडी है, तो चलिए इसका एक टूर लेते हैं। मैंने कुछ कुशन कवर्स से, टी लाइट एंड फ्लावर्स से अपने लिविंग रूम का मेकओवर किया दिवाली के लिए। बढ़ते हैं मेरे डाइनिंग एरिया की तरफ। ये कुछ दिया शेप्ड कर्टन लाइट से इसको मैं अपने डाइनिंग एरिया में लगाऊंगी एंड ऑफ कोर्स ये तो आप ही लगाएंगे, मतलब मैं अपने हस्बैंड को मीन कर रही थी। सो कर्टन लाइट्स को हम कर्टन रॉड के ऊपर लगा रहे हैं एंड सेलो टेप से उसको सिक्योर कर रहे हैं। मेरे डाइनिंग एरिया में मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ। मैंने फ्रिज को किचन के पास रख दिया है एंड डाइनिंग टेबल को बालकनी के पास रख रही हूँ ताकि जो कर्टन लाइट्स है वो लगाने के बाद ये प्लेस बहुत ही सूदिंग लगे। एंड ये काम इतना मुश्किल है कि ये मैडम भी मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। क्या बात, सब सही है ना। इस दिवाली में मैंने ये बेज कलर का टेबल क्लॉथ नया लिया है वेस्ट साइड से। ऊपर एक पर्पल कलर का रनर डाल देंगे। पर्पल एंड बेज साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये रनर मैं कुछ दिन पहले ही होम सेंटर से लेके आई थी। ये चेयर कवर मैंने लास्ट दिवाली पे खरीदा था अमेज़न से, इसको भी हम चेंज कर देंगे। इस बार मैंने ग्रे कलर का चेयर कवर लिया है। अब बारी है टेबल टॉप सजाने की। सबसे पहले मैं थीम के अकॉर्डिंग एक ट्रे रख दूंगी एंड उसके ऊपर मेरा फेवरेट स्पाइरल बैम्बू प्लांट एंड ये आर्टिफिशियल फ्लावर। ये आर्टिफिशियल फ्लावर मैं आइकिया से लेके आई थी एंड ये थीम के हिसाब से बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये टी लाइट होल्डर मैं इस बार वेस्ट साइड से लेके आई हूँ एंड इसको भी यहाँ पे रख देंगे। एंड ये है आर्टिफिशियल एक प्लांट। ये सेंटेड कैंडल मैं बहुत दिन पहले होम सेंटर से लेके आई थी एंड लास्ट में एक ब्रास फ्लावर पॉट में कुछ फ्लावर से सजा देंगे। तो मेरा डाइनिंग टेबल भी रेडी हो गया फेस्टिवल के लिए। मेरे डाइनिंग बेंच के ऊपर भी मैं दो कुशन्स रख दूंगी ताकि ये प्लेस बहुत ही सुंदर दिखे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये मेकओवर कैसा लगा। डाइनिंग एरिया के एक प्लेस में मैंने कॉफ़ी टेबल रखा, उसके ऊपर एक ब्रास का बोल एंड उसके नीचे मैंगो लीफ से सजा रही हूँ।
मैंगो लीव से चारों तरफ सजाने के बाद मैं बीच में एक ग्लास रख दूंगी एंड ग्लास की चारों तरफ मैं फ्लावर से सजाऊंगी। फ्लावर से अच्छे से सजाने के बाद ग्लास के ऊपर मैंने गणेश जी रख दिया है। ये ब्रास का एक गणेश जी है एंड ये जो ग्लास है ये दिखे ना, इसलिए फ्लावर से हम अच्छे से इसको डेकोरेट कर देंगे। इसके साइड में हम दो दिया रख देंगे। एंड टेबल में भी आप चाहे तो थोड़ा सा फ्लावर से सजा सकते हैं। तो ये कॉर्नर हमारा रेडी हो गया है। एंड अगर आप दिया जलाना नहीं चाहते हैं तो आप वही बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट्स भी रख सकते हैं एंड ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे डाइनिंग एरिया का भी एक टूर ले लेते हैं आफ्टर फेस्टिव मेकओवर। सो फ्रेंड्स, होप आप लोग को मेरा ये दिवाली मेकओवर वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जस्ट स्टे ऑसम। बाय फ्रेंड्स।